वाले लेन में जिसमें हम जी रिमूवल रिएजेंट ऐड किया था वो वाला सैंपल रन कराते हैं, और थर्ड और फोर्थ लेन में हम सी रिमूवल और टी रिमूवल वाले रिएजेंट वाले सैंपल रन कराते हैं। आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ रनिंग द सैंपल व्हेन द जेल इज विजुलाइज्ड बाय ऑटो रेडियोग्राफी वी विल फाइंड एक्सरे फिल्म टू लुकिंग दिस टाइप ऑफ बैंड्स। तो हमको ये 8 बैंड दिखेंगे ऑटो रेडियोग्राम में, और उसको फिर हम रीड करते हैं फ्रॉम अपर टू लोअर साइड, 5' to 3' की तरफ हम इसको रीड करेंगे। तो वी विल फाइंड दैट फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो एडिनिन वाला ए लेन में जो हमें पहला बैंड मिला है वो ए लिखेंगे, और सेकंड जो बैंड मिला है दैट इज़ अ टी लेन में मिला है तो टी लिखेंगे, और तीसरा बैंड जो है दैट इज़ इन सी लेन, एंड फोर्थ बैंड इज़ फाउंड इन जी लेन, एंड फिफ्थ बैंड अगेन फाउंड इन ए लेन, सो वी विल राइट हियर ए, एंड नेक्स्ट बैंड वी हैव फाइंड देयर इन टी लेन, सो वी विल राइट हियर टी, एंड सेकेंड लास्ट बैंड वी हैव फाइंड इन सी लेन, सो वी विल राइट हियर सी, एंड लास्ट बैंड वी हैव फाइंड इन जी लेन, सो वी विल राइट हियर जी। सो दिस इज द सीक्वेंस ए टी सी जी ए टी सी जी, इट इज सेम एज DNA we have taken in as a sample. So this is the sequencing we have identified this Maxim-Gilbert method. Some author using a second and third lane as GA plus G and C plus T in place of G and C lane respectively. कुछ लोगों ने जो है इस जो G lane है उसको A plus G और C lane को A plus T plus C lane के रूप में भी यूज करते हैं, we will discuss in later. Now moves. The DNA to be sequenced is labeled at one end with nucleotide having a P32. Reagent that destroy or remove one specific base are used to remove bases from DNA. 4 sets of P32 labeled DNA are treated with 4 different reagents. These reagents removes adenine, guanine, cytosine, thymine respectively, as I told you. And condition are so chosen that only one base is removed per DNA strands. एक बार में एक ही DNA base जो है वो remove होगा. Now, several strands of DNA are treated with each particular reagent. एक सैंपल में सो मैनी DNA samples are present. तो एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड बेस रिमूव होगा, देन दूसरे सेगमेंट में दूसरे पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा। द गिवन बेस इज रिमूव्ड रैंडमली फ्रॉम ऑल द पोजीशन साइट्स वेयर इट वाज प्रेजेंट, चेन ब्रेक्स एंड देन इंड्यूस्ड एट बेस लेस साइट। जहाँ जहाँ से न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस रिमूव किए हैं वहाँ वहाँ से वो DNA कट होगा। The fragments produced in the 4 tube are separated by electrophoresis on polyacrylamide gel in the 4 parallel lanes. Location of P32 labeled fragments are identified auto radiography. जो जेल है उसको हम डेवलप्ड करते हैं, डेवलप करने ऑटो रेडियो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी, एंड ऑटो रेडियोग्राम में हमको वो उस जगह हमको बैंड दिखाई देंगे जहां पर P32 लेवल्ड फ्रेगमेंट होगा। नाउ द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स मूव्स द फास्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जेल में जब ऊपर से हमने सैंपल लोड किया है तो वहाँ से फास्ट वो करेगा जो जिसका स्मॉल सेगमेंट होगा, एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव फास्ट। वो जो है वो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो स्लो स्लो मूव करेगा जो हमें ऊपर दिखाई देगा, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो फास्ट मूव करेगा, वो नीचे तक जेल में नीचे तक जाएगा। द अदर फ्रेगमेंट्स आर इन बिटवीन डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। Relative size of fragments indicate the distance between the P32 labeled and the destroyed base.
By arranging the fragments in the four lanes in the decreasing order in of size, the sequence of bases from 5' end to 3' end can be deduced by reading the bands in autoradiogram. क्या सुना ही नहीं दे रहा क्या आपको? हर से बोले थे तो अभी जो बोला वो Welcome and thank you for choosing freakconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 100 participants in the conference. All participants are muted. Sorry for interruption. Now, इधर आना, ये विंडो तो हटाओ. Now, relative size of fragments indicates the distance between P32 level and the destroyed base. By arranging the fragments in the four lane in the decreasing order of size, the sequence of bases from 5' end to 3' end can be deduced. Are you listening? बुलाना जरा इसको. सुनो, ये वो चालू नहीं हो रहा, ये आगे नहीं बढ़ रहा. ठीक, क्या हो गया था? स्लो हो गया था. अब तो बंद नहीं होगा? देखो ना सर, मैं दोबारा. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. Now, the same slide is repeating here. जैसे कि हमने बताया ना, ये DNA segment था, इसको ये four sample लिए हैं और A, G, C, T removal reagent से treat किए हैं. और जैसे ये इस वाले में A जहाँ जहाँ है वहाँ रिमूव करेगा, G वाले में, second वाले में जहाँ जहाँ G है वहाँ रिमूव करेगा, और तीसरे वाले ट्यूब में जहाँ जहाँ सी साइटोसिन प्रेजेंट है वहाँ रिमूव करेगा, और थर्ड वाले में जहाँ जहाँ थायमिन है वो रिमूव करेगा. एंड नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज एट द बेसलेस साइट. जहाँ जहाँ से ये नाइट्रोजनस बेस क्लीव्ड हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो दैट साइट विल बी कट एंड द फ्रेगमेंट विल बी फॉर्म. तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे. एंड and all fragments will be run in the gel and radio labeled fragments will visualized in autoradiogram. ओके, एंड इसको रीड कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे हम जाएंगे 5' टू 3' एंड. सो ए टी सी जी, ए टी सी जी, दिस सिक्वेंस विल यू फाइंड आउट बाय द रीडिंग ऑफ ऑडियोग्राम. दिस सिक्वेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैम्पल वी हैव यूज इन DNA sequencing. सो दिस इज़ द अनदर, एज आई टोल्ड यू कि इसमें ए की जगह ए प्लस जी लेन यूज़ किया है, और सी की जगह टी की जगह सी प्लस टी लेन यूज़ किया है. इट इज़ नथिंग. पहले वाले सैम्पल में जहाँ हमने एडिनिन रिमूवल रेजेंट यूज़ किए थे, इन दिस केस एडिनिन और गुआनिन दोनों प्रकार के रेजेंट डालेंगे, और थायमिन वाले में थायमिन प्लस साइटोसिन रिमूवल रेजेंट डालेंगे. ठीक है,
और जी वाले में जी रिमूवल ग्वानिन रिमूवल रिएजेंट और सी वाले में सी रिमूवल रिएजेंट डालेगी। जब हम उनको रन कराते हैं सो वी विल फाइंड दैट द डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट बैंड्स। सो इसका लॉजिक ये है कि जे ए प्लस जी बैंड में जो ये फर्स्ट बैंड है इसमें हम केवल ए रीड करेंगे एंड सेकंड में जो ए आया है और जी भी उसी के सामने है दैट मींस मेजॉरिटी ऑफ जी इज़ हियर सो वी विल रीड हियर एज जी। और टी प्लस सी में केवल टी केवल एक ही बैंड दिख रहा है तो हम वी विल रीड एज थायमिन हियर एंड इन दिस केस सी और टी दोनों में सेम बैंड एक ही डिस्टेंस पर हैं सो दिस विल रीड एज सी बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ सी इज हियर। एंड नेक्स्ट इज इसमें केवल इस ए प्लस जी वाले में केवल एक ही बैंड है और वो किसी भी जी बैंड के साथ में शेयर नहीं कर रहा है दैट मीन्स वी विल रीड एज एडिनिन। एंड हियर द सी प्लस टी में केवल एक ही बैंड है इस सी के साथ शेयर नहीं कर रहा है दैट मीन्स वी विल रीड एज टी। एंड इन लास्ट टी प्लस सी में बैंड दिख रहा है और सी में भी बैंड दिख रहा है सिमिलर डिस्टेंस पर दैट मीन्स वी विल रीड एज साइटोसिन। सो दिस इज द अनदर वे टू रीड द ऑटोडियोग्राम इन मैक्सिम गिलबर्ट मेथड। सो वी डोंट वी वरीड कि इसमें सब इसमें ए जी सी टी लेन बनाए थे और इसमें आपने ए प्लस जी और अलग अलग ऑथर्स में अलग अलग प्रकार से ये डिस्क्राइब किया गया सो यू कैन चूज एनी वन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैक्सिम गिलबर्ट मेथड। एडवांटेज आर प्यूरीफाइड डी एन ए कैन बी रीड डायरेक्टली एंड होमो पॉलीमेरिक एंड हाइड्रोपोलीमेरिक डी एन ए कैन बी सिक्वेंस बाय दिस मेथड एंड मैक्सिम गिलबर्ट मेथड कैन बी यूज टू एनालाइज डी एन ए प्रोटीन इंट्रैक्शंस एंड दिस केमिकल मेथड कैन बी यूज टू एनालाइज न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैक्सिम गिलबर्ट मेथड इज इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ हजारडियस केमिकल्स। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो इसलिए इट इज वेरी डेंजरस सो इट नॉट बी प्रिफर्ड। इट हैज़ अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्सिटी सो दिस मेथड इज रेयरली यूज एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्केल अप एंड कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज मोर देन 500 बेस पेयर। 500 बेस पेयर से ज़्यादा इसको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है सो ये मेथड थ्योरेटिकली इज इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिकली इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सेंगर्स डाइडियोक्सी मेथड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइमेटिक मेथड एंड चेन टर्मिनेशन मेथड। इन दिस मेथड इसमें डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेशन के दौरान रेप्लिकेशन को ब्लॉक किया जाता है डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड से। सो हाउ वी विल ब्लॉक द डीएनए रेप्लिकेशन और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन टेम्पलेट्स बाय यूजिंग बाय डीडी न्यूक्लियोटाइड। Sanger used deoxy nucleotide to sequence DNA and he had earlier devised प्रोटीन सीक्वेंस मेथड एज आई टोल्ड यू। इन्होंने प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे भी बहुत अच्छा काम किया है एंड लेटर ऑन दे हैव यूज देयर टू डिस्कवर्ड डीएनए सीक्वेंसिंग एंजाइमेटिक मेथड। नाउ दीज आर द टू न्यूक्लियोटाइड्स द टू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। टू डीऑक्सी मीन्स सेकेंड पेंटो शुगर के सेकेंड कार्बन पर ओएच नहीं है यहाँ पर एच अकेला लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ ए टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड हियर इट ए टू प्राइम थ्री प्राइम डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सो सेकेंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर यहाँ पर ओएच नहीं है तो जब थर्ड कार्बन पर ओएच हटा दिया है दैट मीन्स जब डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए सिंथेसाइज होगा तो जैसे ही डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो दिस थ्री प्राइम ओएच विल नॉट प्रोवाइड टू मेक देयर द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी ठीक है डीएनए सीक्वेंसिंग स्टॉप हो जाएगी। सो सी देखें कैसे हुआ। सेंगर्स मेथड इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड इंटरप्शन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं इंटरप्शन के द्वारा। द डी एन ए स्ट्रैंड टू बी सिक्वेंस्ड इज यूज एज ए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन। डी एन ए स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे। द रेप्लिकेशन इज डन इन फोर टेस्ट ट्यूब्स एंड ईच टेस्ट ट्यूब्स कंटेन्स फॉलोइंग रिएजेंट्स। द टेम्पलेट
स्ट्रैंड जिसका डीएनए हमको रेप्लिकेट करना है। प्राइमर, प्राइमर आप जानते हैं, इट इज़ अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट विच यूज टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन। बिना प्राइमर के कोई भी जो डीएनए पॉलीमरेज है दैट कैन नॉट बाइंड एंड मूव फर्दर। एंड डीऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, दीज आर द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स विज ऑल्सो यूज फॉर दिस मेथड। एंड डीएनए पॉलीमरेज जो सिक्वेंस करेगा उसको पॉलीमराइजेशन करेगा। एंड P32 लेवल्ड वन डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड, और ये डाइडियोक्सी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर द P32 लेवल्ड। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या है, डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं और प्राइमर को भी रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं। सो हियर वी आर यूजिंग द दीज रेडियो लेबल्ड डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स P32 लेवल्ड। जी, 4 ट्यूब्स वी आर प्रिपेयरिंग हियर। इनमें 4 ट्यूबों में अलग अलग जो हमने सैंपल तैयार किए हैं, इसमें प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज एंड फ्री डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मीन्स नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सेम इन ऑल ट्यूब्स। एंड डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट, डाइडियोक्सी ATP, डाइडियोक्सी TTP, डाइडियोक्सी GTP, डाइडियोक्सी CTP इंक्लूडेड हेयर, जिसमें डाइडियोक्सी ATP ऐड किया है जहाँ, और यहाँ पर नॉर्मल ATP भी है, नॉर्मल डिऑक्सी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स दिस ATP एंड दिस डिऑक्सी एंड डाइडियोक्सी ATP विल कम्पीट टू ईच अदर फॉर इन रेप्लिकेशन। कहीं कहीं पर ATP नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, जब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा। जहां पर भी डाइडियोक्सी ATP ऐड कर देगा वहां पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द रेप्लिकेशन स्टॉप रिएजेंट। सो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड इज़ यूजिंग हेयर, जैसे हमने कहा, क्योंकि इसके तीसरे नंबर पर जो है वो OH रिमूव हो गया था। देखिए, ये थर्ड पोजीशन पर ये OH जो है नहीं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो रेप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। सो हियर थायमिन जहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये वाला, ये थायमिन के साथ में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के साथ कम्पीट करेगा। यदि नॉर्मल थायमिन वाला डीऑक्सी TTP ऐड होगा तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, और यदि ये ऐड हो जाता है तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। हियर डाइडियोक्सी GTP विल यूज, इट विल कम्पीट टू नॉर्मल GTP, है ना। तो इसके साथ में यदि ये ऐड होता है तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, ये ऐड हो जाएगा तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। इसी प्रकार डाइडियोक्सी CTP विल स्टॉप एट द पॉइंट वेयर इट इज इंसर्टेड। यदि नॉर्मल वाला डीऑक्सी साइट CTP ऐड होगा दैट विल रेप्लिकेशन विल मूव, और यदि DD CTP ऐड होता है तो वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। सो दिस द 4 सैंपल वी हैव प्रिपेयर्ड हियर। द प्राइमर 5' to 3'। सो प्राइमर 5' to 3' है, इसका मतलब जो टेम्पलेट होगा 3' to 5' वाला टेम्पलेट होगा, उसके 3' एंड पर दिस प्राइमर विल बी अटैच्ड, जिसमें TGTT सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड उसके 3' पर होना चाहिए। टी की जगह ए, जी की जगह सी, एंड इसकी जगह ए, इसकी जगह ए, तो ए सीक्वेंस पर ये ऐड हो जाएगा। देन डीएनए पॉलीमरेज विल रिकॉग्नाइज दिस टेम्पलेट एंड रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। और रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जहाँ जहाँ ऐड होते जाएंगे रेप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। जैसे ही डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा रेप्लिकेशन विल बी स्टॉप। इसी प्रकार इस चारों प्रकार की ट्यूब्स में इसी प्रकार से रेप्लिकेशन होंगे और रेप्लिकेशन स्टॉप होंगे। सो इन ईच ट्यूब वी हैव एडेड देयर डीएनए डीएनए सैंपल, सो मेनी नंबर ऑफ डीएनए सैंपल्स आर हियर एज ए टेम्पलेट, सो दे विल रेप्लिकेट इन डिफरेंट पोजिशन, एंड सो डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स विल बी फॉर्म्ड। सो हियर लिसन, the dideoxynucleotide compete with the normal deoxynucleotide. If abnormal a normal nucleotides enter the growing chain, replication continues. If a dideoxynucleotide enters the growing chain, replication stops. Several cycles of replication are carried out. The relative concentration of the dideoxynucleotide and its normal counterpart are such that the dideoxy analog enter randomly at a different sites in different cycles of replication. After several cycles of replication, strands of different lengths are formed. जब रेप्लिकेशन कई साइकिल्स हो जाएंगी तो उसमें कुछ कई जगह पहले डाइडियोक्सी ऐड हो जाएगा, कुछ में बाद में ऐड होगा, तो डिफरेंट साइज के रेप्लिकेशन स्ट्रैंड्स जो है स्ट्रैंड्स बनेंगे। ईच स्ट्रैंड्स एंड्स विद द
deoxynucleotide strands formed in the four tubes are separated by electrophoresis. Electrophoresis is done in four parallel lanes. The fragments are visualized by autoradiography. The pattern of bands of the autoradiogram gives the sequence of bases. This sequence is complementary to the template strand. जो sequence आएगा वो complementary strands के template का complementary strand होगा. Now see here. Once again, this slide is showing the Sanger method. Tube 1, tube 2, tube 3, tube 4. जैसे कि हमने वो चारों ट्यूब दिखाई हैं, इसमें ये डीएनए ऐड किया है जिसका जो सीक्वेंस है वो ए टी सी जी और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस का होगा. नाउ दीज स्टैंड्स आर डीनेचर्ड ऑफ दिस डीएनए, तो दोनों स्टैंड अलग हो गए हैं. एंड द जैसे ही दोनों स्टैंड अलग होते हैं, द प्राइमर विच एडेड देयर that recognize the specific site of either of this strand. तो जिस strands में वो इसके primer के sequence होंगे वहीं add होगा. That strand will use as a template strand. और जैसे ही primer add होता है then DNA polymerase will attach and replication will start. अब जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा सो यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और डाइडियोक्सी एटीपी है. तो जब जब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे तो आगे रेप्लिकेशन होगा. जैसे ही डाइडियोक्सी ऐड होगा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. इन दिस केस यार पहले टी है और टी पर पहले ही डाइडियोक्सी एटीपी ऐड हो गया है तो रेप्लिकेशन विल बी स्टॉप हियर. तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड वाला यहाँ पर सेगमेंट बनेगा. इन सेकंड केस सी हियर, पहले वाले टी पर तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा और जाने के बाद जो सेकंड थाइमिन आया है उस सेकंड थाइमिन पर डाइडियोक्सी एटीपी ऐड हुआ है तो रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप हुई है. तो इन दिस केस वी हैव फाइंड दैट द टू सेगमेंट, टू रेडियो लेवल सेगमेंट, एक ये वाला और दूसरा ये वाला है ना. तो जब ये जेल में रन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फाइंड देयर द टू विजुलाइज्ड बैंड. एक ये वाला जो बड़ा जो हैवी बैंड होगा, जो बड़ा बैंड होगा दैट विल बी मूव हियर एंड स्मॉलेस्ट विल गो फास्टर. ओके, इन द सेम थ्योरी विल रिपीट इन ईच ट्यूब. इसमें देखिए इसमें भी टेम्पलेट जो प्राइमर बाइंड होने के बाद डीएनए रेप्लिकेट करेगा और डीएनए रेप्लिकेट के बाद देखिए फर्स्ट स्टैंड में जो टी की जगह ए ऐड हो गया नॉर्मल, ए की जगह टी ऐड हुआ है नॉर्मल, जी की जगह सी ऐड हुआ है नॉर्मल और जैसे ही साइटोसिन आता है यहाँ पर रेडियो लेवल्ड जी डी डाइऑक्सी जी टी पी ऐड हुआ है और रेप्लिकेशन हैज बीन स्टॉप हियर. एंड इन नेक्स्ट केस दूसरे टेम्पलेट में देखिए लास्ट में जो सी है वहाँ पर डाइडियोक्सी गुआनिन ऐड हुआ है तो रेप्लिकेशन यहाँ तक हुई है और यहाँ स्टॉप हो जाती है. सो यहाँ पर दो रेडियो लेवल्ड डीएनए रेप्लिकेटिंग हमको प्रोडक्ट मिले हैं. थर्ड ट्यूब में देखिए, थर्ड ट्यूब में DDCTP डाइडियोक्सी CTP हमने ऐड किया है. जहाँ जहाँ ये ऐड होगा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. यहाँ पर पहला जो जी आया उसके अगेंस्ट जो सी ऐड हुआ है यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हुई और दूसरा जी जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पर है तो रेप्लिकेशन यहाँ से आगे तक गई है क्योंकि इस पोजीशन पर सेकंड टेम्पलेट पर नॉर्मल जी ऐड हुआ है इसलिए रेप्लिकेशन आगे बढ़ी है और रेप्लिकेशन आगे बढ़ के जैसे ही नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पर जो जी आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सी है वो नॉर्मल ना होकर के डाइडियोक्सी CTP ऐड हुआ है तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गई है. सो वी विल फाइंड देयर आर टू रेडियो लेवल्ड सेगमेंट हियर. एंड इन द लास्ट ट्यूब यहाँ पर डाइडियोक्सी TTP जहाँ ऐड होगा वहाँ रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. तो पहले पर टी में ए ऐड हुआ, दूसरे में जहाँ टेम्पलेट पर एडिनिन है उसका आगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा तो यहाँ पर डाइडियोक्सी थाइमिन ऐड किए हैं. डाइडियोक्सी थाइमिन ऐड हुआ है रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गया है. इन सेकंड टेम्पलेट में पहले में टी में ए और दूसरे ए की जगह जो कॉम्प्लीमेंट्री टी जो ऐड हुआ है दैट टी इज नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ नॉर्मल डीऑक्सी TTP तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा और जब नेक्स्ट एडिनिन आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री टी जो है वो डाइडियोक्सी TTP ऐड हुआ है सो रेप्लिकेशन इज स्टॉप हियर.
तो अब जब ये रेप्लिकेशन स्टॉप होने के बाद वी विल रन ऑल दीज थिंग्स इन जेल एंड ऑटोरेडियोग्राफी वी हैव फाइंड दैट ऑटोरेडियोग्राम एंड दिस टाइप ऑफ बैंड विजुलाइज्ड एंड रीड द बैंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्रॉम 5' टू 3'. So see there, A, T, C, G, A, T, C, G. So the DNA segments were A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G. That is, sequence was visualized, sequence was identified through Sanger method. Now, same method is described in another way. So see here, this is the DNA. जिसका हमें डीएनए सीक्वेंस करना है. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद अननोन सीक्वेंस, ये ब्लू पार्ट जो है वो उसको सीक्वेंस करना है. इसमें क्या क्या ऐड किए हैं, डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया है और डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी सीटीपी, डीऑक्सी टीटीपी एंड डीऑक्सी जीटीपी ऐड किए हैं और प्लस दे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्राइमर. यहाँ पर प्राइमर जो है वो रेडियो लेबल्ड ऐड किए हैं. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ट्यूब में यहाँ पर ये दिखाया है कि दिस टेम्पलेट विल रेप्लिकेट थ्री सेगमेंट, एक दो और तीन. क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है. जहाँ पर टी टी है वहाँ पर जो है वो डाइडियोक्सी एडिनिन और डाइडियोक्सी एडिनिन ऐड हुआ है. पहले केस में पहले ही नंबर पर डाइडियोक्सी एडिनिन ऐड हुआ तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हुई. दूसरे स्टैंड में पहले नंबर पर तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा और सेकेंड थाइमिन जब आया तो डाइडियोक्सी एडिनिन ऐड हुआ तो रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप हो गई. और इन दिस सेगमेंट हियर पहले केस और दूसरे केस में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ी है और लास्ट में आकर के यहाँ पर ऐड हो गई तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गया. तो थ्री सेगमेंट वी हैव फाइंड इन दिस केस. तो जब इसको रन कराएंगे जेल में तो वी विल फाइंड दैट थ्री बैंड, एक बैंड, दो और तीन. ठीक है, और इन बैंड को फिर जो है वो रीड किए हैं जैसे ए ए और ए. इस प्रकार ऑल दीज बैंड्स will visualized from the after replication and the autoradiogram will visualized all bands as here and we will read 5' to 3' as जैसे G band में एक G वाली tube में lane में हमको पहला band मिला तो उसको हम G लिखेंगे. A वाले lane में band मिला A लिखेंगे. C वाले band में C वाले lane में band मिला उसको C लिखेंगे. T वाले लेन में एक जो बैंड है उसके आगे टी लिखेंगे और फिर जी वाले लेन में जो बैंड मिला उसके आगे जी लिखेंगे. फिर अगेन हमने ए वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया फिर ए लिखेंगे और फिर उसके नीचे फिर ए वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया ए लिखेंगे और फिर हमको जी वाले में बैंड मिला तो जी लिखेंगे और लास्ट में सी वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया उसको हम सी लिखेंगे. सो वी हैव फाइंड दिस सिक्वेंस एंड इसका हम जो कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करें एंड द डिड्यूस द सिक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट. ये जो सीक्वेंस था वो न्यूली स्टैंड है. अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे जी की जगह सी, ए की जगह टी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का ए, सी का जी का सी, ए का टी और सी का जी का सी और सी का जी. ये हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जब हम इसका तैयार करेंगे दैट इज़ द टेम्पलेट जो हमको जो जिसको हमको सीक्वेंस करना था वो हमें प्राप्त हो जाता है. सो सी हियर 5' to 3'. 5' में क्या था ये हमको सीक्वेंस यहाँ से मिलेंगे. ठीक है, ओके, सी टी जी ए, सी टी जी ए, सी टी टी सी जी, सी टी टी सी जी. तो ये ब्लू जो सेगमेंट है डीएनए का दैट इज सीक्वेंस्ड बाय दिस मेथड और ये हमको रिजल्ट है. ठीक है, दिस इज द सेंगर मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एंजाइमेटिक मेथड एंड ऑल्सो कॉल्ड डाइडियोक्सी मेथड. इस वाले में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ऐड किया था ये डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड रेडियो लेबल्ड है और इस वाली टेक्निक में जो है जो प्राइमर है वो रेडियो लेबल्ड है. कोई भी एक चीज़ चेक कर सकते हैं चाहे प्राइमर और या फिर डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड. एंड दिस अनदर वे, यहाँ पर ये एटीपी, सीटीपी और जीटीपी और टीटीपी ये जो है वो रेडियो लेबल्ड है और यहाँ रेडियो लेबल्ड है तो ये देखिए रेड कलर से विजुलाइज किए गए हैं. इनको जब रन कराते हैं तो हमको बैंड मिलते हैं ऑटोरेडियोग्राम में और उनको रीड करते हैं इस प्रकार से. नाउ सेंगर्स मेथड हैज़ बीन ऑटोमेटिक जो
डीएनए सीक्वेंसर तैयार किए गए हैं वो सेंगर मेथड के बेस पे ही तैयार करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव मेथड एंड हाईली प्रोसेसिव मेथड। मीन्स इसका एक दिन में 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड तक ये रीड कर सकता है। दिस हैज़ मेड डीएनए सीक्वेंसिंग मच फास्टर। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज चेन टर्मिनेशन मेथड हैव greatly simplified DNA sequencing. This method has been automated with using DNA sequencing kit. इस method के base पर DNA sequencing kit भी बनाए गए हैं। Non-specific binding of the primer to the DNA and affecting accurate readout of the DNA sequence and DNA secondary structure affecting the fidelity of the sequence. These are the two main disadvantages of this method. Now, automated DNA sequencing. आजकल जो मशीनें तैयार कर ली गई हैं देर इज़ वेरी फास्ट विच रीड द डीएनए एंड गिव डीएनए सीक्वेंस विद इन अ डे। तमाम सारी जो जीन्स हैं जिन पे हम पता करना होता, कोई भी माइक्रोब्स या किसी का भी डीएनए सीक्वेंसिंग पता करना होता है कम समय में, तो ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस इज़ वेरी यूजफुल। सो डीएनए सीक्वेंसिंग इन द रिसेंट ईयर इज कैरीड आउट बाय एन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। इन दिस टेक्निक फ्लोरोसेंट टैग आर अटैच टू अ चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड। डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें फ्लोरोसेंट टैग लगा दिया जाता है। 4 डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाइज आर यूज टू आइडेंटिफाई चेन टर्मिनेशन रिएक्शन इन ए सीक्वेंस। जो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें फ्लोरोसेंट टैग लगाने के कारण जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है, और स्टॉप होने के बाद दैट फ्रेगमेंट इज विजुलाइज बाय द फ्लोरोसेंट टैग। एंड द डीएनए बैंड्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिटेक्टेड बाय देयर द फ्लोरोसेंस। रिसेंटली लेजर एब्जॉर्बिंग 4 डाइज आर यूज फॉर अ फास्टर ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। जो अभी न्यू जनरेशन वाले जो डीएनए सीक्वेंसर बनाए जा रहे हैं उनमें लेजर एब्जॉर्बिंग डाई यूज की जा रही है, और वो लेजर एब्जॉर्बिंग डाई दैट इज टैग्ड विद डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दैट कैन बी एजिली एब्जॉर्ब द लेजर रेज एंड आइडेंटिफाइड द न्यूक्लियोटाइड पोजिशन। It is a rapid and accurate technique. It sequence up to 1,00,000 nucleotides per day. The cost work out of automated DNA sequencer is very less. It has been successfully used in human genome project. Human genome project में इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है। Now, significance of DNA sequencing. जो पूरी DNA sequencing की दोनों method जो हमने पढ़ी हैं और जिससे हमने DNA sequencing कैसे करते हैं ऑटोमेटेड मेथड से भी कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होना चाहिए। सो वी विल फोकस ऑन दिस पॉइंट। द डीएनए सीक्वेंसिंग मेक इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ जीन। जीन कैसे काम करता है उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त होती है। डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस डेमोस्ट्रेट रेगुलेटरी रीजन्स दैट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन करने के लिए जो रेगुलेटरी रीजन है उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं सीक्वेंसिंग पर पता होगी तो। डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस हेल्प टू फाइंड जेनेटिक हॉटस्पॉट विच आर ससेप्टेबल टू म्यूटेशन, और हॉटस्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं जीन सीक्वेंसिंग जो म्यूटेशन की संभावना बनती है। कंपैरिजन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नाउ डीएनए सीक्वेंसिंग हेल्प्स टू अलाउ द लेबोरेटरी डिटरमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल सीक्वेंसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, एंड जीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वायरसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट स्ट्रेन। वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन हम पता कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग से, एंड डीएनए सीक्वेंसिंग शोज जीन स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स रिसर्च वर्कर्स टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीन प्रोडक्ट। नाउ दीज आर क्वेश्चन, मैडम ने पहले दे दिए होंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ये हटाना था। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज वेट। नेक्स्ट टॉपिक इज नैनो टेक्नोलॉजी। कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं 2-2.5 नंबर में, तो हमको मालूम होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इट इज़ द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सो यू शुड नो दैट। अब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है और ग्लूकोज लिजार्ड का हम फोटो दिखा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ग्लूकोज लिजार्ड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बायो नैनो टेक्नोलॉजी। क्यों है ये, इस वी विल टेल लेटर।
Now, nanotechnology, nanotechnology, 1 nanometer is equal to 10 to the power 9, 10 to the power minus 9 meter. मतलब 1 meter का 100 लाखवां भाग कितना छोटा होता है, that is equal to 1 nanometer. और 1 nanometer से 100 nanometer के बीच के particles, they play a very important role in different field of science. ठीक है, इसीलिए नैनोटेक्नोलॉजी का जो उद्भव हुआ है. नैनोटेक्नोलॉजी इज़ द साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट अ डायमेंशंस बिटवीन 1 and 100 nanometer. नैनोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इमेजिंग, मेजरिंग, मॉडलिंग, मैनिपुलेटिंग मैटर एट नैनो स्केल, विच इज़ एप्लीकेबल टू बोथ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन. इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों जो है एक दूसरे के पार्ट ऑफ पार्सल हो गए हैं जब से नैनोटेक्नोलॉजी पर स्टडी हुआ है. सो इट वी कैन से दैट इट कैन बी सेड दैट नैनोटेक्नोलॉजी इज मैरिज ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग. रिचर्ड फिनमैन वाज अ यूएसए बेस्ड फिजिसिस्ट. ही कंसीडर्ड टू बी अ फादर ऑफ मॉडर्न नैनोटेक्नोलॉजी बिकॉज ही डिड्यूस दैट द जीनोम वाइड वेरिएशन फ्रॉम वन ह्यूमन बींग इज़ अनदर कैन बी अप टू अ 0.5%. एक इंसान से दूसरे पूरे संसार में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उनके बीच में जो भी जेनेटिक वेरिएशन हैं, ओनली 0.5%. 99.9% जीनोम आर सिमिलर. सो वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस आर स्ट्राइक हिज माइंड के इतना छोटा डिफरेंस के कारण पूरी दुनिया में वेरिएशन हैं, सबके अलग अलग नाम हैं. सो ही फाइंड ही डिड देयर वर्क इन दिस फील्ड. सो ही नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न नैनोटेक्नोलॉजी. नाउ नोरियो टेंग्यूसी वॉज अ प्रोफेसर इन टोक्यो यूनिवर्सिटी. ही अकॉइंट द नैनोटेक्नोलॉजी वर्ड इन 1974. नाउ मैनी टूल्स ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड हैव अ वाइडर एप्लीकेशन इन मेडिसिन. When nanotechnology is used for biotechnology advances, it is known as nanobiotechnology. Nanobiotechnology applications in medicine are very wide and include in the field of AIDS, cancer, gene therapy and drug delivery, etc. As I saw this picture in first slide, it was the story behind it. The geckos lizard feet are covered with a nano size here that are intermolecular forces allowing the lizards to stick firmly to rooftop surfaces etc. इसके जो फीट पर होते हैं बहुत छोटे छोटे से जो है सीटी पाए जाते हैं. एवरी स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ गीकोज फुट पैड कंटेन्स अबाउट द 14,000 हेयर्स लाइक सीटी. ईच सीटा हैज अ डायमीटर ऑफ 500 नैनोमीटर्स. बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल अडेप्टेशन ऑफ गीको lizard can adhere to most surface without the use of the liquid and surface tension stressor. So this is the best example of natural bionanotechnology. Another example is that the folding of flowers and the leaf of touch me not plant are said to be based on the natural bionanotechnology. Another use of this plant were very fabulous in nanotechnology research. Some scientists chosen this plant for preparing the nanoparticles. He gave there the silver and gold salts for this plant, and he found that after few days spherical shaped silver nanoparticles of 35 to 42.5 nanometer and gold nanoparticles of 24 nanometer are synthesized using touch me not plant. And these nanoparticles are isolated from the green extract method of root and flowers respectively. So इसलिए टच मी नॉट का इतना यहाँ इंपॉर्टेंस बनता है. दिस द नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी नेचुरल इंजीनियर्ड प्लांट दैट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द सिल्वर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स. साइज एंड शेप ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एज आई टोल्ड यू, साइज ऑफ नैनो पार्टिकल इज वेरीज फ्रॉम 1 to 100 nanometer एंड शेप ऑफ नैनो पार्टिकल आर डिफरेंट. दे मे बी आर डेंड्राइमर्स एंड एस्पेरिकल फ्लोरेंस एंड सिलेंड्रिकल फ्लोरेंस, मिसिल्स एंड लिपोजोम्स, ऑयल एंड वाटर इमल्शंस लाइक दिस, एंड वायरस लाइक पार्टिकल्स एंड सिंथेटिक वायरस लाइक पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स इनमें से किसी भी शेप का हो सकता है, है ना. इट डिपेंड्स ऑन द ऑन विच पर्पज वी आर यूजिंग द नैनो पार्टिकल्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स
or have a very wide scope in all branches of science. But in medicine, there are a few points through which we can discuss about the application of nanoparticles. Number one, drug delivery. Number two, nanotechnology can be used in therapeutic uses. And imaging technology also have an importance of nanotechnology. And nanotechnology is used in antimicrobial techniques. And cellular repair also done by the nanotechnology particles, and nanotechnology also used as the aquasomes. Now, one by one, we will discuss all these points in short. So, nanotechnology used in drug delivery. Nanoparticles could be used to deliver drugs to a specific type of cells, like a cancer cells. Cancer cells में हम किसी भी nanoparticles के माध्यम से हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कोई भी drug को कैसे target कर सकते हैं, that is very important. So, nanoparticles are attached to a disease cells which allow to a direct treatment of those cells. तो नैनो पार्टिकल्स जो है वो कैंसर सेल्स के चारों तरफ अडेर हो जाते हैं और अडेर होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. दिस टेक्निक रिड्यूस द डैमेज ऑफ द हेल्दी सेल्स एंड अलाउ द फॉर अर्लियर डिटेक्शन ऑफ द डिसीज. इस टेक्निक से किसी भी डिसीज़ को हम स्टार्टिंग में पता कर सकते हैं और उसको उसी समय उसको ख़त्म किया जा सकता है. नाउ द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड इज एनकैप्सुलेटेड विद द नैनो पार्टिकल्स विच हेल्प टू पास थ्रू द स्टमक टू डिलीवर द ड्रग इन टू अ ब्लड स्ट्रीम. It is a very important point, and efforts are underway to develop oral administration of several different drugs using a variety of nanoparticles. अभी इस रिसर्च चल रहा है कि तमाम सारे अलग अलग पार्ट के नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से हम कोई ड्रग को मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. नाउ थेरेप्यूटिक यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स. नैनो सेल मे बी यूज टू कंसंट्रेट अ हीट फ्रॉम इंफ्रारेड लाइट टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स विद द मिनिमल डैमेज ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ हेल्दी सेल्स. And nanoparticles, when this point we can understand by this diagram. Here, this the nanoparticles is given to the tissue where are that carcinogenic cells are present in this. These are the cancer cells which are present in this tissue, and these pinkish cells are healthy cells. So nanoparticles are surrounded these cancer cells and make there the nano cells. See here. So these are nanoparticles are surrounding each cancer cell and make there the nano cells. And near infrared light exposed this tissue where the cancer cell identified. So more and more heat is accumulated in the cancer cells and they become dead and intact healthy cells. जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको कुछ नहीं होता है और बकाया जो कैंसर सेल है दे कैन बी डेड बाय दिस नैनो शेल थेरेपी. सो नैनो पार्टिकल्स व्हेन एक्टिवेटेड बाय एक्सरे जनरेट इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स टू विच दे हैव अटैच्ड देमसेल्फ. दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल टेक्निक्स इन प्लेस ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच मच लेस डैमेज टू हेल्दी सेल्स. Now, aluminosilicate nanoparticles can quickly reduce bleeding time in trauma patients by absorbing water, causing blood to clot quickly in a wound area. And nanofibers can stimulate the cartilage production in damaged joint. तो नैनो फाइबर्स को हम जो जॉइंट जहाँ जॉइंट्स पर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. एंड एल्युमिनो सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स वी कैन यूज़ इन ट्रोमा पेशेंट टू स्टॉप देयर फास्ट ब्लीडिंग. इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी. क्वांटम डॉट्स मे बी यूज फॉर लोकेटिंग ट्यूमर्स इन पेशेंट्स एंड फॉर परफॉर्मिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. द नैनो पार्टिकल्स इज coated with a peptide that binds to a cancer cells. Once the nanoparticles are attached to a cancer particles or cancer cells, the magnetic property of the iron oxide enhances the image from the MRI scan. जब किसी भी टिश्यू के लिए MRI स्कैनिंग की जाती है तो कैंसर सेल्स जिनको हमने नैनो पार्टिकल्स से एक्सपोज किया होता है दे एलोबरेट द सिग्नल्स बाय द आयरन ऑक्सीडेस विच इज exactly which clearly identified in MRI scanning.
So nano particles can attach to a protein or other molecules, allowing detection of the disease indicators in a sample that at the very early stage of malignant patient. Now, antimicrobial techniques. The use of nanocrystalline silver, which was the earliest nano medicine. The use of nanocrystalline silver, which is an antimicrobial agent for the treatment of wounds. The nanoparticles containing nitric oxide gas are known to kill bacteria. So this is the nanotechnology which is used in antimicrobial technique. Now, cellular repair. Nanotechnology used in cellular repair. Nano robots could be programmed to repair of specific disease cells. The function of the nano robots is like to antibodies in our body for a natural healing process. See next slide. See here, this is the tissue which is ill tissue which we want to repair. So these are the nano robots which are given in the body. They are targeted this tissue. They are programmed molecules. They are programmed robotic nano robots. They attach to the specific tissues which are we want to repair. So like this way we can treat the damaged tissue. Now, ecosomes. Ecosomes are recently developed delivered system that are making NIC as the peptide or protein carriers. These are nanoparticles carrier system which three-layered self-assembled structures. The ecosomes comprise the central solid nanocrystalline core and coated with the polyhydroxy oligomers on the which the biochemically active molecules are adsorbed. Use of ecosomes. Nanotechnology based delivery system has been successfully utilized for the delivery of insulin, hemoglobin and various antigens. So these may be delivered in our body by nanotechnology using the ecosomes. Insulin, hemoglobin and various antigens or antigens like koi bhi drugs humko provide karani hoti body mein, that will be a very good method to deliver these peptide medicines. Oral delivery of enzyme peptide has also been achieved. Now these are important question. Ye pehle se humne madam ne de diya aapko, hatana tha usko. Now isme Vasudevan mein jo diya hai, that is sufficient for you. Thank you.
लाओ पेन है बंकर इसका कहाँ लिखना है बताओ मास्टर मैडम का नहीं छपा हुआ है मैडम गिरी से चंचल मैडम का अच्छा लिख दे रहा हूँ मैं उनका लिख देता हूँ मैं है ना शाम को ये हुआ था दो से तीन डाल देते दो हैं टॉपिक उनका डलवा लेना नेम ऑफ द टीचर नाम लिख देना और अटेंडेंस को साइन करा देना ठीक है थ्री टू फोर ठीक है ये अटेंडेंस देख लेना सुनो अरे अटेंडेंस भर देना इसमें ठीक है इसमें ही डाल दूँ मैं इसमें ही अच्छा अटेंडेंस कौन लेता है टॉपिक ये लिखवा लेना मैडम से ठीक है लोग है इधर वो अटेंडेंस कितनी है कौन लेता है दिनेश दिनेश कौन से देख लेना है ना ये मैंने बताया सर तो हैं इसमें भी बता देता है वो डायरी करता है वो शुरू में आया ना डायरी करता है पता आपको वो पूरा देखते हैं
रज्जू में जाए कहा